उत्तराखंड में पहाड़ की पॉलिटिक्स का रियलिटी चेक करने के लिए अब हमारी टीम रुड़की, मंगलौर और हरिद्वार के इलाकों में घूम रही है, लोगों से बात कर रही है, जान रही है कि इस वक्त जो चुनाव है 2022 का वो किधर जा रहा है। इसी बीच हमें हरिद्वार रोड पर, ये रुड़की का रोड है, हम मंगलौर के करीब हैं, हमें ये सरकारी बोर्ड दिखाई दिया। इस सरकारी बोर्ड पर लिखा है देवभूमि के कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये तो बात चलिए समझ में आती है, लेकिन दो तस्वीरें हैं इसमें। एक है देशराज कर्णवाल है, विधायक है और उत्तराखंड सरकार में भाजपा के विधायक भी हैं, बड़े दमखम के साथ अपनी बात रखते हैं, ये भी ठीक है। उसके बगल में आप आएंगे दूसरी तरफ तो मुख्यमंत्री का एक यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। ये मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी नहीं, तीरथ सिंह रावत, जो पूर्व हो चुके हैं। लेकिन सरकारी विभाग किस तरह से डिजिटल इंडिया के इस मोदी युग में काम कर रहा है, उसकी वानगी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी 100 दिन पूरे कर चुके हैं अपने सीएम कार्यकाल का। इस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा हिंदुस्तान की पूरी पहचान बढ़ी है, मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है। हमारा भारत एक मजबूत भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया है। उन्हीं के प्रतिनिधियों के रूप में हम विकास की जो धारा उन्होंने देश के अंदर चलाई है और उत्तराखंड के अंदर चलाई है, उन सबको धरातल पर उतारने हर वर्ग के रूप में कोशिश करें। बावजूद इसके अभी तक जो सरकारी अमला है उसकी निगाह में अभी भी तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री है, क्योंकि जो ये बोर्ड है वो बताता है कि दरअसल में जो सरकारी मशीनरी है वो काम कैसे करती है। देहरादून में हर सड़क पर आपको धामी सरकार के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर मिल जाएंगे चमचमाते हुए, लेकिन जब आप उसके बाहर निकलेंगे तो सरकारी अमला कैसे चरमरा गया है और उसके अधिकारी कितने लापरवाह हैं, उसकी वानगी दिखाने के लिए ये एक सरकारी बोर्ड ही काफी है। फिलहाल अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, पूर्व मुख्यमंत्री को मौजूदा मुख्यमंत्री बताने वाले इन अधिकारियों से क्या सीएम साहब सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि गफलत पैदा करता है ऐसा बोर्ड, और वो भी तब जब प्रदेश में चुनाव करीब हो। हैरान करने वाली यह सच्चाई हमने आपको दिखाई। कैमरा मैन के साथ आशीष तिवारी, टीवी न्यूज वायरस, मंगलौर।